हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने किया था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, उसके इनपुट डिवाइसेस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो लेट्स सी फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। A software is a collection of programs that tells the computer what to do. Software क्या होता है? Collection of programs होता है। वो सारे programs का एक collection होता है जो computer को बताता है कि उसे क्या काम करना है। जैसे for example कि हमारे पास एक CD है, उस CD को हमने CD player के अंदर क्या किया? Insert किया। जैसे ही हम CD को CD player के अंदर insert करेंगे तो हमारे पास एक list आ जाएगी songs की। उसमें से हम कोई भी song को जब select करेंगे तो music play होना start हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। मैंने आपको बताया था हार्डवेयर में कि जो हार्डवेयर है वो कौन से पार्ट्स हैं जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सीडी और डीवीडी प्लेयर को आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, लेकिन जो सॉन्ग्स है यहाँ पर उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप सुन सकते हो। तो यहाँ पर सीडी एंड सीडी प्लेयर दे बोथ आर हार्डवेयर एग्जाम्पल, एंड जो सॉन्ग्स हैं आपके वो क्या है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब हमें ये देखना है कि व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर, अब हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए हैं, कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि उसे ये काम परफॉर्म करना है। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी नीड टू इंस्टॉल एंड स्टोर मेनी सॉफ्टवेयर इनसाइड आवर कंप्यूटर सो दैट वी कैन यूज देम एनी टाइम। हमें कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए सबसे पहले उनको स्टोर करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है हमारे कंप्यूटर में, ताकि हम उसका फर्दर यूज कर सके। नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर के, पेंट, जिसमें आप पेंटिंग करते हो, जैसे कि आप कैलकुलेटर का यूज करते हो, टक्स पेंट का यूज करते हो, ये सभी क्या हैं आपके, एमएस वर्ड का यूज करते हो, ये सभी क्या हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, जिनको आप देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका कोई स्पेशल वर्क होता है, जैसे पेंट का यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए, कैलकुलेटर का यूज किया जाता है सम करने के लिए, एडिशन करने के लिए, और वर्ड का यूज किया जाता है टाइपिंग करने के लिए, यानी कि जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है उसमें हम टाइपिंग का काम करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई स्पेशल वर्क होता है वो कौन से होते हैं हमारे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं हमारे पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को, वो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स ऑल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी वर्किंग है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना उस इनपुट को, आउटपुट जनरेट करना, ये सारे काम कौन करता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप ये विंडोज देखते हैं, ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट इवन स्टार्ट द कंप्यूटर, जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, जो आप अपने कंप्यूटर लैब्स में देखते हो या फिर जो आप अपने लैपटॉप्स में देखते हो, वो सभी किसके एग्जाम्पल है, इस विंडोज की। ये आपको जो विंडो दिखाई दे रही है, दिस इज अ सिंबल ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।